नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। सोनो से चंद्रदेव बर्नवाल की रिपोर्ट। चंद्रमंडी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पिता की हत्या करने वाला कलयुगी पुत्र को दर्द दबोचा। चक्काई प्रखंड के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कियाजोरी पंचायत के मालदेहड्डी गांव में बीते 10 फरवरी को कलयुगी पुत्र द्वारा आपसी विवाद में अपने पिता को बम मारकर हत्या कर मौके से फरार हुआ। हत्याकांड का आरोपी प्रमोद यादव को चंद्रमंडी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लखीसराय जिला के कियूल थाना क्षेत्र के बसमतिया गाँव से गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में चंद्रमंडी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 10 फरवरी सोमवार को मालदेहड्डी गांव निवासी गिरफ्तार आरोपी प्रमोद यादव का अपने पिता चोड़ी यादव से आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच सोमवार संध्या 4:30 बजे के करीब प्रमोद ने क्रोध में आकर घर के बगल स्थित सड़क पर मवेशी चराकर लौट रहे अपने पिता पर बम से प्रहार किया, जिससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। चोड़ी यादव हत्याकांड में आरोपी की मां ने आरोपी पुत्र पर चंद्रमंडी थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। मृतक चोड़ी यादव की पत्नी बबली देवी ने चंद्रमंडी थाने में आवेदन देकर अपने ही पुत्र प्रमोद यादव पर पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। चंद्रमंडी थाना कांड संख्या 15-2020 धारा 3 IPC 3 से 15C विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। चंद्रमंडी थाने में दर्ज प्राथमिकी में मृतक चोड़ी यादव की पत्नी बबली देवी ने बताया है कि सोमवार को उसका पुत्र प्रमोद यादव मेरे पति चोड़ी यादव की पीठ पर बम फेंक दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के पूर्व में भी प्रमोद यादव अपने पिता की पिटाई किया करता था। वही घटना को अंजाम देकर प्रमोद मौके से भाग निकला था। उसके बाद चकाई थाना क्षेत्र के बटपार गांव में रात में रुका था। उसके बाद मंगलवार की सुबह आरोपी बटपार से भागकर लखीसराय भाग गया था। गिरफ्तार आरोपी को चंद्रमंडी थाना लाकर पूछताछ किया जा रहा है। इस संबंध में झाझा SDPO भास्कर रंजन ने कहा कि हत्याकांड की घटना दुर्भाग्यपूर्ण था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल चलवाकर आरोपी को सजा दिलवाया जाएगा। उसका पुत्र नेम्ड केस उसकी माँ जो है की है इसके विरुद्ध में, और हम लोग लगातार इसके छापामारी कर रहे थे। जो चिन्हित जगह और जो संदिग्ध जगह था वहाँ पे हम लोग लगातार छापामारी कर रहे थे, और जो सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी उस आधार पे हम लोग दूसरे जिलों में भी तलाश रहे थे इसको। और एक सूचना लास्ट में मिली तो कि ये लखीसराय के बसमतिया के कुल थाना के अंतर्गत बसमतिया गाँव में, तो हम लोग जो है फिर वहाँ पे जाके पुलिस की मदद से हम लोग इसको